चंद्रपुर के चिमूर में दिखा महिलाओं का काली अवतार। जिला प्रशासन और एक्साइज डिपार्टमेंट की अनुमति से शुरू हुए एक शराब की दुकान की यहाँ के महिलाओं ने जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं बल्कि इन महिलाओं ने शराब की भट्टी के अंदर रखे शराब के बक्से भी दुकान के बाहर लाकर उस पर भी अपना गुस्सा निकाला। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में 2014 में बीजेपी की सरकार आई। 2015 में उसी बीजेपी की सरकार ने चंद्रपुर जिला में पूरी तरह से शराबबंदी की, जिससे लाइसेंसी दुकानदारों के गुलाब जैसे चेहरे पूरी तरह से मुरझा गए। तो कई शराब व्यापारियों ने तो अपना दूसरा धंधा भी खोल लिया था। शराब के लाइसेंसी दुकान जिले से बंद होने के साथ ही चंद्रपुर में अवैध शराब तस्करी समेत डुप्लीकेट शराब बिक्री की बाढ़ आ गई थी। चंद्रपुर में 2015 के बाद आई शराब की वो बाढ़ अभी आई बारिश की इस बाढ़ से कई गुना अधिक खतरनाक थी। अवैध शराब तस्करी और डुप्लीकेट शराब बिक्री के उस बाढ़ को 2019 में आई महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने 2021 में ब्रेक लगाया। चंद्रपुर जिला में विजय वडेट्टीवार ने फिर से शराब के दुकानें खोलने को लेकर ग्रीन सिग्नल दिया, जिसके साथ ही चंद्रपुर में फिर एक बार शराब की बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिनके पास पहले लाइसेंस थे उनको तो प्रशासन ने रिन्यूअल कर दिया, किंतु 2015 के पहले चंद्रपुर में नए शराब की दुकान को लाइसेंस नहीं वाले बैन को भी इस मंत्रिमंडल ने हटा दिया, जिससे अब चंद्रपुर के चप्पे चप्पे पर शराब के लाइसेंसी दुकानों की मानो बाढ़ सी आ गई है। खास बात तो यह है कि पुलिस मुख्यालय के बिल्कुल सामने ही शराब की दुकान को लाइसेंस दिया गया है। ने ये जवाब दिए थे कि अंदर ने वो जवाब दिए थे, ये पहले ही हम अंदर को कम से कम महीने भर से लोग आ रहे कंप्लेंट करते जा रहे, अंदर से कोई एक्शन नहीं उठा रहा है। और दारू भट्टी के लिए अंदर बराबर उनको वो दे रहे काम कि यहाँ पर हम दारू का भट्टी खोलो करके आबादी में, तो अपने घरों में क्यों नहीं खोलने लगा रहे अंदर? क्या भाई अपना आदमी है, अपना आदमी है, अपना आदमी है, सब अपना आदमी है, तो अपने आदमी तो अपने घर के पास देने का, हमारे मोहल्ले में काय को देने का? हमारे मोहल्ले में तो इंसान ही रह रहे। प्रशासन की ओर से इस तरह से धड़ल्ले से बांटे जाने वाले लाइसेंस का विरोध चंद्रपुर जिले में कई जगहों पर हुआ है। बावजूद इसके प्रशासन महिलाओं की आवाज को दरकिनार कर शराब की ठेके के लाइसेंस धड़ल्ले से बांट रही है, जिस पर अब चंद्रपुर की महिलाएं आक्रामक हो चुकी है। चंद्रपुर के चिमूर तहसील से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें गांव की महिलाएं इकट्ठा आकर लाइसेंसी शराब की भट्टी में घुसकर शराब दुकान की जमकर तोड़फोड़ की। आप देखिए हमारे पास आए इस वीडियो को। ये वीडियो चिमूर तहसील में आने वाले आबादी वार्ड का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं शराब की दुकान में घुसकर शराब की बोतल समेत दुकान की तोड़फोड़ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ के एक पूर्व स्थानीय पार्षद के घर के पास इस शराब की दुकान की शुरुआत हुई है, जिसका विरोध महिलाओं ने कुछ इस तरह से दर्शाया है। टीम VL 24 न्यूज़।